लोकेशन मैटर ही नहीं करता, अकेला 1,25,000 अपन ट्रैवल करते। हेलो गाइस, तो गाइस एजाज खान का एक और नया लफड़ा हो गया है सुपर खालसा के साथ, जहां पर रिसेंटली एजाज खान की इतने दिन से नजर नहीं थी, बट नजर पड़ने के बाद उन्होंने क्या कहा है, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। देखिए आप लोग, और ये मेरा भाई है विकी, ये कुछ बोलना चाहता है आप लोगों से, सुनिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई गुरु, ये प्रोफाइल है सुपर खालसा, प्रो रेसलर भाई गुरु। सुपर खालसा, पहली बात अमृत शका है, अगर अमृत शका रहेगा तो 5 लाख शस्त्र कृपाल कहाँ है भाई गुरु? और मेरा भाई है, इनके तरफ जो भी देखेगा ना, एक बार अपने को जरा ध्यान से देख लेना, लोकेशन मैटर ही नहीं करता, अकेला 1,25,000 अपन ट्रैवल करते। इनको बोलते ना 1,25,000 खालसा शस्त्र, देखो शस्त्रों का दर्शन करा वीर, शस्त्रों का दर्शन, कितने गुप्त शस्त्र है जो दिखेगा भी नहीं। भाई है, गलती से भी कुछ गलत नहीं बोलना, ओपन चैलेंज। चल भाई अपन ही फोन कर लेते, भाई तेरे को चैलेंज होगा तो वहां पे नंबर सेव किया सुपर करके, नॉट अवेलेबल नहीं है। देख खालसा मतलब सिख फैमिली से बिलोंग करता रहेगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अपना भाई है, खड़े थे इलेक्शन में, गया था मैं, बुरे वक्त में भी खड़े रहना भाई का फर्ज होता है। और मैं भी आया था, अगेश की बात कर रहा हूँ मैं, याद आया? ओ भाई फनी हो गया भाई। और वहीं गाइज आपको पता ही है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था जहाँ तीर्थ परशाना और थगेश के बीच में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी अभी चली रही है, तो फाइनली तीर्थ परशाना का रिप्लाई आया था, तो उसी पर अब थगेश ने अपने मैन चैनल पे एक वीडियो डाला है और वार्निंग भी दिया। क्या कहा है मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। और भी बहुत सारे मीम्स, ये भी मीमी है, पर मेरे को लगा नहीं भाई मेन चैनल पे एक और रिप्लाई डिजर्व करता है, तो मैंने सोचा रिएक्शन चैनल पे ही देख ले, देखते भाई ने क्या बोला अपने बारे में। और भाई थाने के गजनी, दिखा दिया तूने अपना स्टैंडर्ड, तुझे भूल गया, तेरे को मालूम नहीं, मैं तेरे को याद दिलाता हूँ। हाँ, 6 जुलाई 2022 मार्वल की तरफ से एक प्रीमियर आया था थॉर लव एंड थंडर, उधर तू भी आया था और मैं भी आया था। हाँ। हगेश की बात कर रहा हूँ मैं, याद आया? ओ भाई फनी हो गया भाई, हगेश को हगेश कर दिया भाई, बहुत फनी हो गया भाई, भाई तू तो लूसीफर हो गया भाई। बन गया था, मैं तेरे को समझा था पूरी मूवी में बैठ के, जिसको तू कैसे टैकल कर सकता, मैंने तेरे को पूरा मूवी बैठ के समझाया था। यस, पूरा मूवी, क्योंकि ऑनेस्टली मूवी खास नहीं था पहली बात तो। दूसरी बात, तू अभी जितना मंद है तू तभी भी उतना ही मंद था, ओके? पहली बात, ये बंदा थिएटर में इधर उधर भाग रहा था, मेरे बाजू में सीट खाली था, तो मैंने पोलाइटली बोला कि भाई आके बैठ जा इधर, बैठ जा इधर, बैठा बिना किसी ने कुछ पूछे, भाई ने चालू कर दिया, देना गया। तू भाई तुम बहुत सारी इंडस्ट्री में हाथ मार रहे हो, मुझे लगता है तुमको एक पे फोकस करना। अरे भाई भाई भाई, और एक और बात, हेट की मेरे को हेट मिली नहीं रही थी 2022 में, मेरे को क्यों हेट मिलेगी? मैंने क्या कुछ किया ही नहीं था 2022 में, ना मेरा कोई लफड़ा हुआ था, अंडरग्राउंड रहा करूं मैं, फोटो पाएंगे बस थाने में, ना मेरे को कोई हेट मिल रही, इसने अपने मन में बना लिया कि भाई इसको हेट मिल रही है तो मेरे को इसको ज्ञान देना चाहिए बैठ के। तो ये मुझे, मेरे को पता भी नहीं ऑनेस्टली कौन है, अगर कोई मुझे आके ज्ञान दे के भाई तुम ना बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में हाथ पैर मार रहे हो, तो तुम एक जगह पे फोकस करो, यहाँ से इनकी सोच शुरू होती है। एनीवेज यार, इसको हटाओ, ये मीम को हटाओ, हम बाकी मीम्स देखते हैं। भाई तेरे लिए एक सजेशन है, मत दे सबको रिप्लाई, ओके? रोस्ट बनते, 2-3 रोस्ट बनके बंद हो जाते, तेरी हरकतों की वजह से और बनेंगे। और कोई एक दूसरे को कॉल नहीं लगाता कि भाई इस पे बनाओ रोस्ट, उस पे बनाओ, कोई नहीं लगाता कॉल, सब अपने अपने से बनाते। तो बताओ इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कौन है? और वहीं गाइस मैक्स टर्न ने थाराबाई जोगिंदर को रोस्ट कर दिया, जहां पर थाराबाई जोगिंदर जो कंटेंट बनाते हैं उसी चीज को क्या कहा मैक्स टर्न ने? जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसको मैं दूंगा 50,000 रुपए। तो बताओ इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कौन हकता है? अरे थाराबाई आप? जो हगिंदर। You can reach out to me. मैं सपोर्ट करूंगा, मुझे लगता है सारे लोगों को, कई लोगों ने अभी। हेलो गाइस, तो गाइस फुकरा इंसान काफी ज्यादा फंस चुके हैं, बट उन्होंने क्लियरिफिकेशन भी कर दिया है, अब वो केस करने वाले हैं कौन सी कंपनी पर, हाईबॉक्स, जिसका वो काफी ज्यादा ऐड कर रहे थे, तो अब पीपॉय भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं। और क्या कहा है मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। ना पैसा चाहिए, तो अब अभिषेक की स्टोरी पे आते हैं। अभिषेक ने 2-3 चीजें कही, उस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। पहला, आई थिंक अभिषेक ने बड़ी अच्छी बात यह कही कि ही सेड कि वी शुड ऑल बी यूनाइटेड अगेंस्ट दिस। ही ऑल्सो टुक अ प्लेज कि वो लीगल केस करेगा, जो मुझे लगता है अब कर देना चाहिए, बिकॉज हाई बॉक्स ऐप रिमूव हो गई है। तो आई वांट टू आस्क अभिषेक, विल यू स्टार्ट द लीगल केस नाउ, बिकॉज आई विल सपोर्ट यू।